नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साइको गर्ग आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना का दौर चला है, तो आप सबको ये एडवाइस दूंगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार, आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, उनको लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। बस फ्रेंड्स ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और मेरे को आशा की किरण दिखाते रहें। सो फ्रेंड्स चलो हम वीडियो पे आते हैं। जो आज की मेरी वीडियो है वो सिंपली सिंपलेस्ट थिंग के ऊपर है, जिसे हम अपनी भाषा में, जो लोकल लैंग्वेज में हम स्लेट बोलते हैं। इन सेंस से आपने पुराने घर देखे होंगे, उनके ऊपर जो ग्रे कलर की जो छोटे छोटे पीस डले होते हैं उसको हम स्लेट बोलते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो उसके ऊपर है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसकी इंट्रोडक्शन दी जाएगी। एवरी थिंग आई नो एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, सो स्टे ट्यून विद मी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंट्रोडक्शन, इसके बारे में कि स्लेट क्या चीज होती है। सो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू गूगल, स्लेट इज अ फाइन ग्रेन्ड होमोजीनियस मेटामॉर्फिक रॉक ड्राइव फ्रॉम एन ओरिजिनल स्लेट टाइप सेडिमेंट्री रॉक कंपोस्ट ऑफ क्ले और वोल्केनिक एश थ्रू एन लॉग ग्रेड रीजनल मेटामॉर्फिक एज वेल एज इट इज द फाइनेस्ट ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक। तो फ्रेंड अगर इसको हम सिंपल वे में समझाएं तो अर्थ क्रस्ट में एक लेयर होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, जो कि क्ले से बनती है या फिर वोल्केनिक एश। वोल्केनिक एश मीन्स कि जब वोल्केनो ब्लास्ट होता है, जो उसकी जो लेयर्स आती है बाहर, जो ऐश होती है उसकी, जब वो सॉलिड फॉर्म में बन जाती है तो एक लेयर क्रिएट कर देती है, जिस लेयर को हम निकाल लेते हैं और उसी से स्लेट्स को फॉर्म्ड किया जाता है। और फ्रेंड्स आपको तो ये बात पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। जो स्लेट जो होती है वो मैक्सिमम यूज़ होती है रूफ़ के लिए, और जो रूफ़ का जो टाइम पीरियड होता है वो एट लीस्ट 125 ईयर्स होता है, और कभी कभी जो है ये 125 से एज लॉन्ग एज 200 ईयर्स भी एक्सटेंड हो सकता है। और फ्रेंड्स जब इसको रूफ्स में जो है इंसर्ट कराते हैं, इंस्टॉल करवाया जाता है, जो इसकी जो कॉस्ट आती है वो लेते हैं पर स्क्वेयर फीट। तो स्क्वेयर फीट जो चलता है वो होता है 10 × 10, तो उसकी जो है कॉस्ट है वो है $1500। और इसको हम कन्वर्ट करें इंडियन करेंसी में तो 1,12,217.10 पैसा। सो फ्रेंड्स इस साल वार इंट्रोडक्शन, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड की और इंडिया की लार्जेस्ट स्लेट माइन के बारे में। सो फ्रेंड्स जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्लेट माइन है वो है पेनरियन क्वेरी, द स्पेलिंग इज PENRHYN QUARY। और जो वर्ल्ड की जो माइन है लार्जेस्ट, उसकी जो मेन पिट है वो नियरली है 1 माइल, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 1.6 किलोमीटर लॉन्ग, और जो इसकी डेप्थ है वो है 1200 फीट, और इसको अगर मीटर में चेंज करें 370 मीटर। और इस माइन में नियरली 3000 पर्सन जो है वर्क करते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत जगह हैं जहाँ पे स्लेट माइंस हैं, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एसेट्रा, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है स्लेट माइंस मौजूद हैं। और फ्रेंड्स इंडिया में मरकापुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर सबसे बिगेस्ट माइन है स्लेट्स की। बेसिकली फ्रेंड्स आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल में भी 3 जगह पर स्लेट माइंस हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट मंडी, एक है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और एक है डिस्ट्रिक्ट चंबा। जैसे कि फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको एक छोटा सा स्टोन दिख रहा होगा, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ स्टोन, यही है साल्ट जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में मिलता है, जिसको हम बेसिकली हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं गुम्मा नमक। सो फ्रेंड्स इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्लीज़ बने रहे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में जानने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।